अभी हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है बेटा। मेरे चश्मे टूट गए और जो मेरे चश्मे स्पेयर में थे वो भी टूट गए। इसको मेरे को थोड़ा जूम करना पड़ेगा तो दिखेगा। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टू मेक होम अ स्वीट होम। पति और पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए जिससे हमारा घर सुंदर घर बन जाए। तो सबसे पहले तो मैं राधेश्याम प्रभु जी प्रभुपाद जी जिनसे मैंने ये क्लास मैंने तैयार किया तो उनको मैं याद करना चाहूँगा और उनके आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो नो नो थैंक यू पहुँचा सर। तो सबसे पहले तो हम प्रभु जी का और उनके परिवार का हम धन्यवाद देते हैं। जब भी हम किसी भी ऐसे गैदरिंग में आते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि कोई सेंट्रल पर्सनालिटी या कुछ पर्सनालिटीज को आशीर्वाद देने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। जब हम वैष्णवों को अपने घर बुलाते हैं तो सब वैष्णव वो परिवार को आशीर्वाद देते हैं और उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो उनका स्वास्थ्य सही रहे और उनको सुख शांति समृद्धि मिले जीवन में और वो पूरा परिवार भक्ति में आगे बढ़े। इसलिए अलग अलग घरों में प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है तो ये अवसर प्राप्त होता है। तो आज का हमारा शीर्षक भी ये है कि आदर्श गृहस्थ दंपति सक्सेसफुल गृहस्था कपल। तो पहले तो मैं एक ओवरऑल बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब हमारा जन्म होता है तब से लेके 100 साल तक हमको कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। तो 1 से 25 का एक डिवीजन है, 25 से 50 का एक डिवीजन है,
50 से 75 का एक डिवीजन है, 75 से 100 का एक डिवीजन है, अगर जिएंगे तो। 1 से 25 का के डिवीजन को बोला जाता है विद्यार्थी जीवन, अगर पुरुष होता है तो उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। 1 से 25 का जीवन होता है विद्यार्थी जीवन, 25 से 50 विवाहित जीवन, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। तो विद्यार्थी जीवन में क्या होता है, तो मैं हर एक डिवीजन के बारे में मैं दो दो शब्द बोलूँगा, फिर लास्ट में मैं आप सबसे क्वेश्चन आंसर करूँगा। तो आपको ये ध्यानपूर्वक सुनना है, विद्यार्थी जीवन में दो चीज़ें होती हैं, आप अकेले नहीं है, ये सब विद्यार्थी हैं। मैं भी विद्यार्थी हूँ। लर्न एंड ग्रो, दो शब्द, क्या? लर्न एंड ग्रो। तो मतलब क्या कि चलो कुछ स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर बड़े होते हैं और शरीर बड़ा होता है, ये लर्न एंड ग्रो नहीं है। लर्न एंड ग्रो मतलब भागवतम के अंदर प्रहलाद महाराज जो बताए कि कौमारम आचरित प्राज्ञ, कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, तो आध्यात्मिकता के बारे में सीखना, इसको लर्न बोला जाता है। और ग्रो मतलब ग्रो इन मैच्योरिटी। इस संसार के जो द्वंद्व है, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान को कैसे सहा जाए, ये सीखना, ये है 1 से 25 साल का जीवन। जैसे कि हम देखते हैं कि जड़ भरत के जीवन में, हम देखते हैं कि जड़ भरत के भाई ने उसने उनको कष्ट दिया, उन मतलब कि जो चावल बनते थे तो अच्छे अच्छे चावल वो खाते थे और जो नीचे जो जले हुए चावल वो अपने भाई को दे देते थे, और अच्छी सुविधाओं में वो रहते थे और बुरी सुविधा में उसको देते थे। तो ये शारीरिक सुख दुख भी जड़ भरत ने सम रह के सहन किया। फिर शीत उष्ण के आके बाद आता है सुख दुख। जब जड़ भरत को आगे अपनी जिंदगी में आदिवासी लोगों ने जब पकड़ लिया, तो पहले उसको बहुत अच्छे रंग बिरंगी कपड़े पहनाए और उसको एक बड़ा प्लेट प्रसाद का दिया कि खाओ, तो उससे सुख मिला। और फिर उसको लेके गए बलि पीठ पे, उसका काली माता के सामने गला काटने के लिए, उसकी बलि चढ़ाने के लिए, ये दुख है तो भी वो सम थे। फिर हम जानते हैं कि कैसे माता काली प्रकट होके जड़ भरत को बचाए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। उसके आगे फिर जड़ भरत मिलते हैं महाराज रहुगण से, तो महाराज रहुगण की पालकी उठा रहे थे जड़ भरत, तो मगर जड़ भरत को दिख रहा था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ तो आगे चींटियाँ हैं, तो मेरे पैरों से चींटियाँ नहीं मरनी चाहिए, तो वो ऐसे कूद रहे थे, तो इसकी वजह से पालकी भी कूद रही थी, इसकी वजह से अंदर जो बैठे थे राजा वो भी कूद रहे थे। तो इतने तीक्ष्ण शब्दों से जड़ भरत को सुनाया, तो ये कर्ण बाण होते हैं, ये जो शब्द होते हैं ये सीधा कान से जाके सीधा हृदय में लगता है। ये जो अस्त्र शस्त्र होते हैं ये तो कुछ दिनों तक छुपता है, जो कानों के जो बाण होते हैं वो दिन रात सालों साल छुपता है, इसलिए बोलने में थोड़ा हमको ध्यान रखना चाहिए। तो तब भी उन्होंने वो अपमान सहन किया, और फिर जब फिर महाराज रहुगण को पता चला कि अरे ये तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, तो उसको तुरंत पालकी में से वो सचमुच कूदे और दंडवत प्रणाम किया और उनको अपना गुरु स्वीकार किया और बहुत सम्मान दिया, तो भी वो सम थे। तो लर्न एंड ग्रो मतलब ग्रो इन मैच्योरिटी, ये द्वंद्व से अफेक्ट ना होके फोकस भगवान के ऊपर रखना, ये जड़ भरत ने किया। अमिडस्ट ऑल द एक्स्ट्रा मतलब कि भौतिक सराउंडिंग्स से उतना अफेक्ट हम ना हो
कि हमारा फोकस भगवान के ऊपर से हट जाए। ये है लर्न एंड ग्रो। इसके बाद आते हैं 25 से 50। इसमें है दो शब्द, एंगेज एंड अर्न। क्या? एंगेज एंड अर्न। तो मैंने तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा मतलब प्रभु जी फिर बाद में एंगेजमेंट होगा और फिर हम फिर पैसा कमाएंगे, ये नहीं है। एंगेज मतलब एंगेज इन भक्ति एंड अर्न भक्ति सुकृति। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद पति पत्नी को साथ में भक्ति में जुड़ना चाहिए। हम सबको पता है कि वैदिक सैक्रिफाइसेस में, वैदिक यज्ञ में पति पत्नी के बिना नहीं बैठ सकता, पता है? भगवान राम को भी माता सीता का पुतला बनाना पड़ा था, वरना वो बैठ नहीं सकता। उसी तरीके से पति पत्नी को साथ में मिलकर भक्ति करना चाहिए। और हर घर में एक ऑल्टर होना चाहिए, और वो ऑल्टर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लाइवली ऑल्टर। हरे कृष्णा, वेलकम फ्रोजी। इट शुड बी अ लाइवली ऑल्टर, मतलब वो जीवंत ऑल्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं दैट नाउ टेकिंग केयर ऑफ ऑल्टर इट हैज जस्ट बिकम काइंड ऑफ अ रूटीन। बस भोग लगाओ, आरती करो और भगवान अपनी जगह और हम अपनी जगह। नहीं, वो भगवान केंद्र में होने चाहिए घर के, और हमको बड़े बड़े फेस्टिवल्स मनाने हैं, अच्छे अच्छे भोग लगाने हैं, घर में प्रोग्राम करना है, और आसपास के पड़ोसी लोगों को बुला के उनको भी भक्ति में जोड़ना है। तो हमारा घर भी, गृहस्थ का घर भी एक मिनी इस्कॉन टेम्पल जैसा बन जाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार बॉम्बे पंडाल में क्लास दे रहे थे, तो पंडाल में तो हजारों की संख्या में लोग बैठे थे, 20,000-30,000 लोग प्रभुपाद जी का बॉम्बे पंडाल प्रोग्राम अटेंड करते थे। प्रभुपाद जी ने बताया कि बॉम्बे में हम चाहते हैं कि 5,000 इस्कॉन के मंदिर हो। सब लोग चौक, क्या 5,000 मतलब? प्रभुपाद जी का मतलब था कि फिर समझा प्रभुपाद जी ने कि 5,000 गृहस्थ भक्त बनने चाहिए, और वो उन हरेक का घर भगवान का मंदिर होना चाहिए। और जब वो पति पत्नी इतने उत्साह के साथ जब वो भक्ति में जुड़ते हैं तो उनको भक्ति सुकृति मिलती है। आत्मा मृत्यु के वक्त तीन चीज अपने साथ लेके जाती है, पाप, पुण्य और भक्ति सुकृति। पाप और पुण्य भौतिक है, क्षणिक है, भक्ति सुकृति परमानेंट है। पुण्य क्या है कि अगर हमारे पास +5 है तो हम ऊपर हैं स्वर्ग में, 5, 4, 3, 2, 0 फिर हमको इधर आना पड़ेगा वापस। पाप क्या है? -5, -5, -4, -3, 0 फिर हम आगे वापस। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति सुकृति क्या है? इट इज अनडिलीटेबल एंड इट इज अनडिप्लीटेबल। भक्ति सुकृति हमारा भक्ति का बैंक बैलेंस है, वो अनडिप्लीटेबल है। वो एक बार हमको मिल गया तो वो उसका कभी नाश नहीं होता, और वो अनडिलीटेबल है, उसको कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता। डिलीट तो छोड़ दीजिए, केवल भगवान उसको एक्सेस कर सकते। तो एक बार जो हमारा, हमने जो भक्ति किया वो हमेशा हमारे साथ रहता है। नेहाभिकम नास्तो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगा भ्रष्ट संजायते। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो एंगेज और अर्न मतलब पति पत्नी को भक्ति में साथ में एंगेज करना है, साथ में एंगेज होना है, और भक्ति सुकृति को कमाना है। इसके बाद आता है 50 से 75। इसमें दो शब्द है, डिटैच एंड अटैच। डिटैच फ्रॉम मैटर, अटैच टू स्पिरिट। भौतिक जिंदगी से डिटैच होना है और भगवान से ज्यादा जुड़ना है। एक प्रभु जी आते थे प्रोग्राम में, ही वॉज अ बिजनेसमैन, उनकी उम्र थी 68 ईयर्स। तो उन्होंने भी ये सुना, डिटैच और अटैच फॉर्मूला। तो उनको जब पूछा गया कि आप क्या समझे प्रभु जी, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे चार बिजनेस थे, मेरे चारों बेटों ने चारों के चार बिजनेस ले लिए, तो उससे मैं डिटैच हो गया, और अब मैं एक नया बिजनेस शुरू करूँगा तो उससे मैं अटैच हो जाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं है।
वैसे भी जब पति पत्नी 45-50 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी इच्छा होती है कि अब हमको जिम्मेदारी दे दो और आप ज्यादा टांग मत लड़ाओ। और जब वो देखते हैं बच्चे कि हमारे माता पिता हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि अच्छा अब ये उम्र में दे आर डिवोशनल। और अगर वो छोटी छोटी बात में अगर वो इंटरफेयर करने लगे, अगर चिल्ड्रन अगर संतान को ऐसा लगता है कि अब मेरे बूढ़े माता पिता अभी भी उनके अंदर भौतिक अटैचमेंट है, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता। सो इट्स बेटर कि उनको जिम्मेदारी देके अब फिर हम अपना आध्यात्मिकता में हम अपना रुचि बढ़ाए। और फिर 75 से 100, तो जब वो डिटैच और अटैच का वो प्रोसेस पति पत्नी साथ में शुरू करते हैं तो उनका हृदय सोने जैसा बनने लगता है, दे स्टार्ट डेवलपिंग अ गोल्डन हार्ट। और जब वो हार्ट एकदम गोल्डन हो जाता है तो वो समझ पाते हैं कि सचमुच जिंदगी का लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति ही है, और फिर वो प्रार्थना के भाव में जाते हैं। इसलिए इस के दो शब्द हैं प्रे एंड प्रिपेयर। फिर वो प्रार्थना के भाव में जाते हैं और फिर जब वो भागवत पढ़ते हैं तो खास करके प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं के साथ वो अपने आप को रिलेट कर पाते, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी भी जी, उन्होंने सत्य को देखा है और अब वो शास्त्र भी पढ़ रहे हैं और अभी उनको भगवान से भी वो जुड़ रहे हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं और अभी उनको पता है कि अभी हमारी मृत्यु भी नज़दीक है, तो फिर वो भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। तो ये चारों आश्रम के ऊपर हम बोल सकते हैं, मगर आज हमारा फोकस 25 से 50 है जो हमारा ऑडियंस है, बाकी भी हम आश्रम के ऊपर कभी बोलेंगे। तो 25 से 50 में क्या है समझना है कि जब उम्र 25 होता है तब जिम्मेदारी लेना है, और जब 50 होता है तो जिम्मेदारी सौंपना है। इसमें भी दो एक्सट्रीम होते हैं, जब नया नया शादी होता है और खास करके जब पति पत्नी दोनों इस्कॉन से जुड़े हुए होते हैं तो क्या होता है, नया नया शादी हो या पुराना शादी जो भी हो, एक एक्सट्रीम क्या है, या तो पति पत्नी दोनों में से एक भी भक्त हो तो भी, मगर अगर वो ऐसा सोचे अरे यार अभी तो पैसा कमाना पड़ेगा, लाइफ को सेट करना पड़ेगा, अभी उतना भक्ति नहीं होगा, अभी 3-4 साल थोड़ा हमें पैसा कमा लेता है और हम थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा फाइनेंशियली सेटल हो जाते हैं, फिर बाद में तो भक्ति करेंगे, तो वो 3-4-5 सालों में वो इतना भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं कि वो इतना भौतिकतावादी जीवन में घुस जाते हैं कि फिर उनको भक्ति लाइन में फिर वापिस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है, अरे भक्ति करना चाहिए, ये सब माया है, संसार माया है, घर माया है, पति के लिए पत्नी माया, पत्नी के लिए पति माया है, तो पैसा नहीं कमाने का, अरे भगवान पे, अरे भगवान के ऊपर विश्वास रखो, पैसा क्या कमाने का। सो ऑन द नेम ऑफ बीइंग सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस दे कॉम्प्रोमाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अभी पति पत्नी का एक दूसरे से बेसिक नीड्स, इमोशनल नीड्स सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो एक दूसरे को, और फिर वो आर्टिफिशियल डिटैचमेंट है, वो बाहरी रूप से वो वैराग्य है वो है नहीं, इसलिए वो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक स्नेह डेवलप भी नहीं कर पाते, तो वो एक दूसरे को वो हर्ट करते रहते हैं ऑन द नेम ऑफ आर्टिफिशियल डिटैचमेंट, और वो उनका पारिवारिक जिंदगी दुखमय हो जाता है, ना रहा जाए ना सहा जाए, और नाम होता है इस्कॉन का और भक्ति का। समस्या बीच में है, समाधान बीच में है, ये भी एक्सट्रीम नहीं चाहिए, ये भी एक्सट्रीम नहीं चाहिए, बीच में, तो वो हम आज देखेंगे कि क्या समाधान है। तो श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद के 14वें नंबर के अध्याय में गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का वर्णन है, पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए और पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए ताकि घर में सुख
घर में सुख शांति खुशी हो और सब भक्ति भी करें। तो आपको जानना है, जानना है पक्का? नहीं बोल। नारद मुनि बताते हैं महाराज युधिष्ठिर को कि आपको कैसे अपना अपना गृहस्थ जीवन जीना चाहिए कि अभी भी खुश रहोगे और इस जिंदगी के बाद पूरा परिवार भगवान के धाम जाएगा। क्या बात है। तो चाहिए, ये पैकेज चाहिए। तो नारद मुनि बताते युधिष्ठिर महाराज को कि पत्नी के 4 गुण होने चाहिए और पति के 3 गुण होने चाहिए। तो वो क्या है वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद फिर मैं पत्नियों के गुण में माताजी को पूछूंगा और पति के गुण में प्रभु जी को पूछूंगा, और जिसको जवाब नहीं आएगा उनको पनिशमेंट मिलेगा। वही बोल, ट्रांसेंडेंटल पनिशमेंट। तो रेडी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 4 क्वालिटीज ऑफ अ वाइफ। पत्नी के गुण क्या होने चाहिए? तो सबसे पहला है चेस्टिटी, सतीत्व, पतिव्रता पत्नी। शुरुआत में भी जब लड़की छोटी होती है तो वो अपने माता पिता के प्रति उसका सतीत्व, उसका लॉयल्टी होता है अपने माता पिता के प्रति। वो कभी भी अपने माता पिता ने जो लक्ष्मण रेखा की है कभी भी लड़की उसको पार नहीं करती। एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ शास्त्र से। जैसे कि माता देवहूति थी, तो माता देवहूति ने नारद मुनि से कर्दम मुनि के बखान सुने, गुणगान सुने, तो देवहूति माता कर्दम मुनि से आकर्षित हुई। कोई भी लड़की लड़के से आकर्षित हो ये स्वाभाविक है, मगर फिर वो क्या करती है? तो देवहूति माता ने अपने दादा दादी को बताया, उन्होंने देवहूति माता के माता पिता को बताया, और फिर देवहूति माता के पिताजी ने, फिर जब उनको पता चला कि अच्छा मेरी लड़की की ये इच्छा है, तो वो कर्दम मुनि के पास जाके उनकी अपेक्षाओं का थोड़ा चेक करके और फिर मैरिज सेटल करके फिर शादी करवाए। सो वो चेस्टिटी है एक लड़की का अपने माता पिता के प्रति। फिर जब उसका शादी होता है तो उसका सतीत्व होता है अपने पति के प्रति। पत्नी के लिए पति भगवान का प्रतिनिधि होता है, और उसी भाव में वो अपने पति को सबमिसिव होती है, शरणागत होती है। आजकल का वक्त ऐसा है कि वो पति पत्नी पुरुष स्त्री को वो इक्वल मानते हैं, इक्वल। तो ये हम अंत में हम इसके भी जवाब पे हम आ जाएंगे कि जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे प्रश्न नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ या तुम बड़े हो। जिसमें हम दोनों खुश रहेंगे वो करना चाहिए। तो वो उसका रिश्ता केवल अपने पति के साथ होता है, पत्नी का, और कोई अन्य पुरुष के साथ कोई रिश्ता, अगर रिश्ता होता भी है तो वो अपने पति के थ्रू होता है। जैसे कि अगर घर पे अगर बहुत सारे गृहस्थ भक्त प्रसाद लेने आए हैं तो पत्नी पति के माध्यम से किसी दूसरे पति को प्रसाद सर्व करेगी, खुद नहीं करेगी। वेरी एंड शी, क्योंकि उसके लिए अपना पति ही सब कुछ होता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी शॉर्ट में। सेकेंड क्वालिटी, सर्व द हस्बैंड, अपने पति का सेवा करने का भाव रखना। अभी अभी क्या हो गया है कि आईटी कंपनी में जो काम करते हैं, अगर तो बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के बाजू में ही एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं कि यहाँ पे उनका नौकरी है और बाजू में ही पति पत्नी अलग अलग फ्लैट रख के रहते हैं। तो आजकल ऐसे घर बनने, आजकल उस तरीके के घर बन रहे हैं कि उसके अंदर किचन नहीं होता, रसोई घर नहीं होता, क्योंकि पति 18 घंटे काम करता है, पत्नी 18 घंटे काम करती है, पूरे बिल्डिंग के नीचे एक मेस होती है, भोजन घर होता है, और पति पत्नी अपने टाइम पे अलग अलग टाइम पे जाके भोजन करके आते हैं। इसमें क्या रिश्ता बनेगा, क्या सेवा का अवसर मिलेगा? घर के अंदर
किचन बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। कहा जाता है कि पति के हृदय तक का रास्ता पति के पेट से जाता है। और अगर कुकिंग होगा तो जो पत्नी है वो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएगी, तो पत्नी का भगवान कृष्ण के साथ भी रिश्ता बन रहा है। और फिर जब वही प्रसाद प्रेम पूर्वक अपने पत्नी को पत्नी अपने पति को खिलाती है तो उसका रिश्ता अपने पति के साथ बनता है, परम पति और पति के साथ, दोनों के साथ रिश्ता बनता है। मैंने अपने खुद के भी घर में मैंने देखा है कि मेरे मम्मी मेरे को खिलाती थी, मेरे पिताजी को खिलाती थी, मेरे दादा दादी को खिलाती थी, और जब लाइट नहीं होता था, क्योंकि अभी तो मतलब अहमदाबाद में 24 घंटा लाइट होता है, गांव में नहीं होता 24 घंटा लाइट, तो मेरे मम्मी के पास एक वो था हैंड फैन। आप में से कितने लोगों ने वो देखा है कि हाथ से पंखा चलो हमारी जनरेशन ने तो वो देखा ही नहीं, हमको तो यही पंखा पता है। तो मेरे मम्मी मेरे पिताजी को, मतलब मेरे पिताजी प्रसाद ले रहे हैं और मेरे मम्मी मेरे पिताजी को वो पंखा डाल रही, और सब खाने के बाद फिर वो खाने बैठती है। सो साथ में प्रसाद लेता है जब पूरा परिवार, तो उससे प्रेममय रिश्ते भी बनते हैं। अलग अलग खाने अलग अलग खाना खाएंगे तो फिर क्या रिश्ता बनेगा। उसी तरीके से हमने हमारे पिछले के पिछले क्लास में मैंने बताया था लक्ष्मी नारायण का क्या भाव होता है। लक्ष्मी जी का भाव होता है कि मेरे को नारायण की सेवा करनी है, और भगवान नारायण का भाव रहता है कि अरे आप रिलैक्स करो, आप आराम करो, मैंने आपको जगह मेरे दिल में दी है। तो ये प्रेम है, इसके ऊपर मैं बहुत बोला था तो इसलिए अभी नहीं बोलूँगा, है ना। आज मैं आपको बोलूँगा भगवान राम और माता सीता का प्रेम। जब भगवान राम को जाना था वनवास, तो भगवान राम सीता माता को बोलने गए कि देखो ये मेरा वनवास है, तो मैं वन में जाता हूँ और 14 साल तो यूं बीत जाएंगे, तो मैं जल्दी ही मैं वापिस आ जाऊँगा। तो सीता माता बोले क्या ये संभव नहीं है, मेरे माता पिता ने मुझे आपको क्यों सौंपा है, आपकी सेवा करने के लिए सौंपा है, तो आप जिधर जाएंगे तो फिर मैं आपकी सेवा करने के लिए मैं आपके साथ आऊंगी। तब भगवान राम ने बोला देखो तुम राजकुमारी हो, तो तुम्हारे पांव कभी महल के बाहर पड़े ही नहीं, और उधर जंगल में कांटे होते हैं और बहुत खतरनाक जगह है, शेर होते हैं, बाघ होते हैं, हाथी होते हैं, और उधर कोई ऐसा एसी पंखा नहीं मिलेगा, अलग अलग झाड़ के नीचे सोना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे लिए ये जगह उचित है, 3 माह के साथ रहो और मेरी राह देखो। तो सीता माता ने बोला कि मैं आपके आगे चल के रास्ते में जो कांटे पड़े होंगे उसको मैं दूर करूंगी, ताकि आप जब चले तो आपको कांटे ना लगे, ये मेरा काम है। और फिर भगवान राम फिर भी मान नहीं रहे थे, तो लास्ट में भगवान सीता माता सीता जोर जोर से रोने लगी और बोला कि आपकी इच्छा आप तय कीजिए, मगर एक बात है कि अगर आप मेरे को छोड़ के अकेले गए तो आप जब आएंगे तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपके बगैर मेरे लिए महल जंगल है और आपके साथ मेरे लिए जंगल भी महल है। और वो इतना ज़ोर ज़ोर से शी बिगन क्राइंग सीता माता, कि भगवान राम ने बोला हो गया ठीक है, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू कि तुम कितने आतुर हो मेरे साथ आने के लिए, तो अभी तुमने टेस्ट पास कर लिया तो अभी तुम आओ। जनरली उल्टा होता है, पति सोचता है कि अरे मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, चलो तुम भले ही तुमको कष्ट हो। तो भगवान राम ने ऐसा नहीं बोला,
और सीता माता ने ऐसा नहीं बोला कि अरे वनवास आपको लगा है, मेरे को थोड़ी लगा है, मैं तो इधर रहती हूँ। और फिर सीता माता फिर गई नहीं अपने वो तीन माता के पास, अरे समझाओ इसको आपके बेटे को, मैं नहीं जाऊंगी, ये प्रेम नहीं है ये वाला। तो पत्नी, तो पत्नी जब ये सेवा भाव रखती है पति के प्रति, तो क्यों शास्त्र ऐसा बताता है? क्योंकि इससे वो पति को कंट्रोल कर लेती है। अगर पत्नी सेवा भाव से, शरणागति के भाव से जब सेवा करती है पति का, तो पति महीने के बाद का सैलरी आके अपने पत्नी को दे देता है और वो अपने पत्नी को घर का फाइनेंस मिनिस्टर बना देता है। तो कौन कंट्रोल में है? पत्नी कंट्रोल में है, मगर कैसे उसने कंट्रोल लिया? सेवा से लिया। ये मैंने देखा है कि मेरे माता पिता हैं, तो मेरे माता पिता की अभी उम्र हो रही है धीरे धीरे, अभी तो वो यंग है, मगर मैं अपने माता को बोलता हूँ कि आप एक बार ही आप कुकिंग करो, मतलब कि, और एक बार आप किसी मंदिर से या फिर किसी अच्छे घर से आप कुछ टिफ़िन आप करवा लो, क्योंकि अभी आपसे होगा नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी जॉब भी करती हैं और वो घर भी संभालती हैं, दोनों करती हैं। तो मेरे मम्मी मेरे को बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मगर फिर जब मैं मेरे पिताजी को बोलता हूँ कि देखो आज के बाद मेरी मम्मी केवल एक बार कुकिंग करेगी, एक बार नहीं करेगी, तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि अगर वो हाँ करेगी तो मैं मानूंगा, तुम बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगा। तो फिर मैंने बोला कि मेरा उनके साथ बात हो गया, तो पिताजी बोलते हैं कि उसको तुम इधर बुलाओ। फिर जब मैं मेरे मम्मी को पूछता हूँ पिताजी के सामने कि क्या बाहर से टिफिन आएगा, तो मेरे मम्मी बोलते हैं नहीं आएगा। क्यों? मैं कुकिंग करूँगी। क्यों? इनको मैं खिलाऊँगी। मैंने कहा अरे आप सवेरे 7 बजे जाती हो, 12 बजे आती हो, तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। और फिर मैंने देखा कि मेरे मम्मी जब कुकिंग करने जाते हैं तो मेरे पिताजी अंदर किचन में जाके उनकी हेल्प करते हैं, सब्जी काटते हैं, पानी भर के लाते हैं। तो मैंने मेरे पिताजी को बोला अरे ये सब आप क्यों कर रहे हो? तो फिर मेरे पिताजी बोले हंस के कि अगर मैं नहीं करूँगा तो अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूँगा तो फिर ये बाद में मेरा ख्याल नहीं रखेगी, हंस के बोला, ऐसा नहीं सीरियस नोट पे, मतलब साल इतने सालों के बाद भी पति पत्नी के बीच में इतना प्रेममय रिश्ता है, इतना मधुर रिश्ता है कि वो एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं। तो पत्नी का भाव होता है कि मैं सेवा करूं और पति का भाव है कि मैं इसका मदद करूं। ये और तो ये था पत्नी का दूसरा क्वालिटी। तीसरा क्वालिटी भागवत बताता है दैट वाइफ शुड नॉट ओनली मैरी मेल बट शी शुड मैरी द मेल ईगो ऑल्सो। हर एक पुरुष का ये एक भाव रहता है कि मेरी पत्नी, मतलब कि मैं पैसा कमा के घर पे लाऊं और मेरी पत्नी उसको एक्नॉलेज करे कि हाँ तुम पैसा कमा के लाते हो और मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ और हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं कभी तुमसे स्वतंत्र कुछ नहीं करूँगी। ऐसा पुरुष को चाहिए। एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी थे, दोनों M.Com थे, मगर पत्नी शी वॉज गोल्ड मेडलिस्ट और पति कमाने जाता था और पत्नी शी वॉज हाउस वाइफ, मगर दोनों का एक बार झगड़ा हुआ घर में। तो पत्नी ने पति को बोल दिया कि देखो तुमको ऐसा लगता है कि तुम मेरा पालन कर रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अगर मैं बाहर जाऊंगी, अगर मैं नौकरी करूंगी तो मैं अपना खुद कर लूंगी। तो पत्नी, तो पति का मुंह इतना हो गया छोटा। क्यों? हस्बैंड फेल्ट अनवांटेड, शी स्पोक द राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम। नौकरी करना गलत नहीं है, वो सही बोली है, बट एट द रॉन्ग टाइम शी स्पोक। सो एक्चुअली पत्नी को ऐसा महसूस करवाना चाहिए अपने पति को कि मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है और आपके
आपको छोड़ के मैं स्वतंत्र, मैं कुछ नहीं करूंगी। और चौथा क्वालिटी है बहुत इम्पोर्टेंट, कि जब कोई लड़की अपने ससुराल जाती है बहू बन के, तो उसको पूरे परिवार, अपने पूरे ससुराल में जितने भी लोग हैं उनके साथ इतना प्रेममय रिश्ता, उतना प्रेममय आदान प्रदान करना है कि वो सबका दिल जीत ले। ये एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको अपने माता पिता के घर में इतना प्रेम मिला होता है, और फिर वो अचानक से वो किसी नए घर में, वो किसी नए माता पिता, नए परिवार में उसको वही प्रेम दिखाना है। मगर इतना मैच्योरिटी उसके अंदर होना चाहिए। इंग्लिश में कहा जाता है दैट मदर इन लॉ मीन्स मदर इन लव। तो थोड़ा वक्त निकाल के, अगर हम मतलब बहू को चाहिए कि वो अपने सास को घर की रानी बनने दे, खुद महारानी बनने का भाव नहीं होना चाहिए। वो भाव क्यों आता है बहू के अंदर, क्योंकि उसको लगता है कि इसको कुछ पता नहीं है, मगर वो ज्ञान में भी वो वृद्ध है और वो एज में भी वो वृद्ध है। तो बहू को समझना चाहिए कि जो मेरी सास है तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा ये दुनिया देखी है, और वो मुझसे उम्र में भी बड़ी है, तो वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। और अगर वो ऐसे रहती है तो प्रेम में रिश्ता रहता है। दूसरा ये भी है कि सास को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अब मेरे बेटे को मुझसे ले लेगी। स्त्री का एक स्वभाव होता है कि उसकी जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं तो उसको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे ही हैं और ये सब मेरे ही रहने चाहिए। शी हैज़ दैट फीलिंग ऑफ पोजेसिवनेस विच इज़ गुड इन दिस सेंस ना। तो पत्नी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो बेटा केवल मामा कर रहा है, मैं सब कुछ छोड़ के आई और ये मेरा सुनता ही नहीं, और ये इतना क्यों देखभाल कर रहा है अपने माता पिता का, मेरा इतना देखभाल नहीं करता। तो ये गलत है। और एक माँ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सास को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी ये तो आगे, अब ये तो मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी। इसका उल्टा होता है। सास सोचती है, वो माँ सोचती है कि इतने साल ये लड़का मेरे साथ रहा, तो अभी ये उसके साथ भले रहे, वैसे भी ये उसका पति है, वो सब कुछ छोड़ के इसके पास आई है, तो ये किसको, तो ये किसको बताएगी, ये किसके साथ अपना शी विल बी लाइक कंफर्टेबल। और पति को और पत्नी को ऐसा सोचना चाहिए कि अरे ये तो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें इनका देखभाल करना चाहिए, हम दोनों साथ में मिलके हम इनका देखभाल करते हैं, और तुम्हें अपने माता पिता की बात भी सुननी चाहिए, उनको जब अस्पताल लेके जाना है तो उनको अस्पताल लेके जाना चाहिए, तो तब रिश्ता बहुत मधुर रहता है। तो मैंने आपको चार क्वालिटीज़ बताई, ठीक है, बाद में पूछूंगा बिकॉज ऑलरेडी टाइम इज रनिंग। और अभी तीन क्वालिटी किसका, पति का, प्रोटेक्टिव, प्रोवाइडर एंड गाइड। फर्स्ट इज प्रोटेक्टर, रक्षक। केवल शारीरिक नहीं, फिजिकल बॉडीली नहीं, इमोशनल ऑल्सो। बॉडीली कैसे, कि जैसे भगवान राम ने बताया, ने अपने आचरण से दिखाया कि अगर किसी की पत्नी को कोई पर पुरुष उसका शोषण करने का प्रयास करता है, तो ये पति का कर्तव्य है कि भले ही पूरी सेना को क्यों ना मारना पड़े, अपने पत्नी को शारीरिक रक्षण देना है। ये हमने भी बहुत देखा है कि जब कोई लड़की, कोई भी सुंदर स्त्री जाती है रास्ते पे, तो बहुत सारी आंखें उसके ऊपर होती है, मगर जैसे ही कोई पुरुष, चाहे उसका उसका पति ऐसे उसके पीछे पीछे से आके ऐसे खड़ा हो जाए, तो सभी अपने दुम दबा के भाग जाते हैं। तो ये पति का कर्तव्य है।
तो इट्स टू वे प्रोटेक्शन. पहला प्रोटेक्शन है कि अपने पत्नी को दूसरे पर पुरुषों से बचाए, और दूसरा ये है कि कभी की जनरली क्या होता है कि कोई भी स्त्री का स्वभाव छोटे बच्चे जैसा होता है, वो निर्दोष होते हैं. और सम गर्ल्स आर ऑल्सो आउट गोइंग कि वो किसी के साथ भी वो इजीली वो बातचीत करती है, मगर पुरुष उसको ठीक से वो उस तरीके से उसको लेता नहीं है. तो जैसे कि कभी कभी होता है कि अगर पति के कंपनी के कुछ उसके दोस्त या उसके कॉलेज के दोस्त जब वो घर आते हैं तो पत्नी तो ऐसा ही सोचती कि अच्छा ये इसके दोस्त हैं, और वो उतना और क्योंकि वो इनोसेंट है छोटे बच्चे की तरह, तो देन शी टेंड्स टू गेट अ बिट ईजी लिबरल. मगर सामने वाला क्या सोचता है ये तो हमको पता नहीं. तो पति का दोनों ओर से कर्तव्य है कि पर पुरुष भी लूज टॉक ना करे और अपने और वो पत्नी भी लूज टॉक ना करे दोनों. ये हो गया बॉडीली प्रोटेक्शन. मगर एक इमोशनल प्रोटेक्शन भी होता है. ये पुरुष के लिए समझना बहुत मुश्किल है, मगर एक स्त्री इसको समझ सकती है. पत्नी को चाहिए कि पति बस घर पे रहे. एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी थे, कपल, पति पत्नी बेटे सब पूरा परिवार था. तो पति इतना उत्साही था प्रचार के लिए कि वो हमेशा अपने जॉब से वापिस आता था और वो बाहर चला जाता था प्रीचिंग के लिए. तो सातों के सात दिन वो घर से बाहर ही रहता था. तो वो पति पत्नी आए एक बार मंदिर कंप्लेन करने के लिए कि अरे ये घर पे रहते ही नहीं. पत्नी बोले, तो पति बोले अरे क्या रहूं घर पे, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार जीवन है, दूसरों का उद्धार करना है. तो फिर हमने उनको बताया कि देखो, तो फिर हमने पूछा पत्नी को कि आप क्या चाहती हो. तो पत्नी ने बोला कि कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो ये बिताए हमारे साथ, 3-4 दिन भले फिर इनको जो प्रचार कार्य करना है करें. तो फिर 2-3 महीने के बाद फिर हमने उनको पूछा कि अभी आप खुश हो. तो पत्नी एकदम मुस्कुराई, बोले हाँ अब मैं खुश हूँ. मगर पति का मुंह लटका हुआ था. पति ने बोला अरे क्या, मैं हफ्ते में 3 दिन मैं केवल घर पे सोफे पे बैठा रहता हूँ और मेरी पत्नी किचन में कुकिंग करती है और मेरे बच्चे ट्यूशन होते हैं, किसी के साथ मैं बात भी नहीं करता. तो इसको मेरे को घर में बैठा हुआ देख के इसको क्या मिलता है, ये पुरुष नहीं समझ सकता. मगर पत्नी को ऐसा महसूस होता है कि ये कि इसको मेरी फिक्र है. ही केयर्स फॉर मी, ही सपोर्ट्स मी. और अगर तबीयत खराब है पत्नी का तो उसके साथ जाना चाहिए पति को, भले ही उसमें थोड़ा वक्त जाए. अगर उसमें वक्त नहीं देंगे तो बाकी का 10 घंटा वक्त जाएगा झगड़े में. तो समझदारी इसमें है कि थोड़ा वक्त निकाल दे. तो इट्स अ स्मॉल इमोशनल सपोर्ट. तो ये प्रोटेक्टर इन टर्म्स ऑफ बॉडीली, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल. इसके बाद है प्रोवाइडर. प्रभुपाद जी बताए भागवतम के एक तात्पर्य में कि किसी भी स्त्री को 6 चीज चाहिए और वो देनी चाहिए, वो पति का धर्म है. क्या 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 चीज चाहिए? उसको अच्छा घर चाहिए, उस घर होना चाहिए भाई रहने के लिए. दूसरा अच्छा ड्रेस चाहिए पहनने के लिए. तीसरा अच्छे वो चाहिए, गहने चाहिए पहनने के लिए. चौथा बच्चे चाहिए. पांचवा अच्छा खाना चाहिए. और छठा मधुर वचन बोलने वाला पति चाहिए. अगर पति ये 6 के 6 चीज उसको देता है तो पत्नी को लगता है हाँ ये मेरा पति अच्छा पति है, ये मेरा देखभाल करता है. वरना कुछ भी हो जाए उसको लगेगा ही नहीं, और ये उसकी जरूरत है वो. तो ये देना चाहिए. इसमें भी जैसा मैंने बताया कि 2 एक्सट्रीम है. कभी कभी भक्ति के नाम पे पति पैसा उतना कमाने जाता नहीं तो ये भी ठीक बात नहीं है. दूसरा ये है कि वो घर पे ही बैठा रहता है, भक्ति भक्ति करता
नहीं तो एक तो ये एक तो एक्सट्रीम ये है कि वो बहुत पैसा कमाता है तो वो कर्मी बन जाएगा, विषयी बन जाएगा, वो द्विपाद ये बन जाएगा, पशु बन जाएगा। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि आर्थिक भी ध्यान रखना पड़ेगा घर का, क्योंकि 25 साल पे जिम्मेदारी लेनी है, 50 साल पे जिम्मेदारी छोड़नी नहीं है, किसी और को सौंपनी है, अपने बड़े बेटे को सौंपनी है, वरना पत्नी ससुराल छोड़ के भाग जाएगी मायके और वो अपने माता पिता को बोलेगी कि इसके पास पैसा ही नहीं है कि ये मेरा देखभाल कर सके। सही बात है। तो प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर और तीसरा गाइड, उसको भौतिक और आध्यात्मिक जिंदगी में उसको मार्गदर्शन देना है पति को, अपने पूरे घर को। अभी वक्त नहीं है वरना हम वो पढ़ते श्लोक, आप पढ़ सकते हो बाद में, भागवतम 3:25-8 और 3:25-11 देवहूति माता अपने पति के बारे में बता रही है, कर्दम मुनि के बारे में तीन चीज़ बता रही है कि एक तो मेरे पति वो कुल्हाड़ी है जो मेरा भौतिक अस्तित्व रूपी वृक्ष को काटता है, दूसरा कि मेरा पति मेरा आँख है जो मुझे ज्ञान देता है, वो मुझे बताता है कि कैसे इस संसार को और चीज़ें को, परिस्थिति को, लोगों को देखना है, और तीसरा कि मेरा पति मेरे लिए वो नाव है जिससे मैं इस संसार को मैं पार कर जाऊँगी। सो पति गाइड होता है, पति इज़ लाइक अ कंपास, जो कंपास होता है ना नाव में, किधर जाना है, किस ओर, ताकि वो लक्ष्य को वो प्राप्त करे। तो पति फॉलो करना चाहिए गुरु को, पत्नी फॉलो करना चाहिए पति को, और बच्चों को फॉलो करना चाहिए अपने माता पिता को। तो पूरा परिवार सुखी रहेगा और पूरा परिवार एक साथ भगवान के धाम जाता है। लेकिन अगर पति का कनेक्शन अगर गुरु से कट गया तो पति हो जाएगा आसक्त अपनी पत्नी से, माता आसक्त हो जाएगी अपने बेटे से, अपने संतान से, और अपने संतान जोर जोर से फिर तूफान करेंगे, रोएंगे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और वो घर नरक बन जाएगा, पता नहीं चलेगा कि क्या करें अब। तो मैंने क्या क्या बताया, पहले मैंने बताया 4 phases ऑफ लाइफ होता है ना, 1 to 25, उसमें क्या है, लर्न एंड ग्रो, फिर 25 to 50 में एंगेज एंड अर्न भक्ति सुकृति, एंगेज इन भक्ति एंड अर्न भक्ति सुकृति, फिर डिटैच एंड अटैच, डिटैच फ्रॉम मैटर अटैच टू स्पिरिट, और लास्ट में प्रे एंड प्रिपेयर। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि ड्यूटीज ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, तो पहले मैंने बताया वाइफ की 4 क्वालिटीज होती हैं, कौन कौन सी, आप लोग, आपको नहीं बोलने, माता जी बोलेंगे, पहला क्या, यस मैम, पतिव्रता, चेस्टिटी, जाए, दूसरा कोई और बोलेंगे बोलना पड़ेगा माता जी इसको, पहला चेस्टिटी, दूसरा सेवा भाव, शरणागति के भाव से सेवा, तीसरा टू मैरी द मेल ईगो अलोंग विद द मेल, और चौथा अपने ससुराल में हर व्यक्ति के साथ प्रेममय रिश्ता रखना और उनका दिल जीत जाना, खास करके अपने सास का, तो ही उसका पति का दिमाग ठंडा रहेगा, सच बता रहा हूँ। और फिर पति के 3 क्वालिटीज, पहला प्रोटेक्टर बॉडीली एंड इमोशनल ऑल्सो, दूसरा प्रोवाइडर, तीसरा गाइड, और भी चीज़ें थी मैं लाया था तैयार करके, वो मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। सो इन एसेंस, अगर पति गुरु को फॉलो करता है, पत्नी पति को फॉलो करती है, और बेटे और संतान माता पिता को फॉलो करता है, क्वालिटी वाइज जो चिल्ड्रन होते हैं दे शुड बी ग्रेटफुल, संतान के अंदर अपने माता पिता के प्रति वो भाव होना चाहिए, क्या कहते हैं, हाँ,
दे शुड फील ग्रेटफुल, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि मेरे कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितना किया है। एंड पत्नी चेस्ट होनी चाहिए और पति शुड बी काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव एंड गाइड। अगर ये पूरा परिवार है तो पूरा परिवार खुश रहता है और साथ में वो भगवान के धाम जाता है। और भी